hello friends welcome back my channel so guys my name is pooja and today we will discuss error analysis and numerical computation so guys this is the first video lecture of numerical analysis for msc mathematics third semester students so let's get started so guys here first definition is

उन्हें हम क्या कहते हैं एब्सोलूटली एग्जैक्ट नंबर्स बट अप्रोक्सीमेट नंबर सो द नंबर लाइक रूट टू रूट थ्री रूट फाइव ओके एंड पाई एक्जैक्ट्रा दिस दस सच नंबर्स आर ओनली अप्रोक्सीमेट टू द ट्रू वैल्यूज सो गाइज जो नंबर कंप्लीट होते हैं जैसे कि वन टू थ्री फोर फाइव इस टाइप से उन्हें हम क्या कहते हैं एग्जैक्ट नंबर्स एंड जो आपके पॉइंट्स में नंबर्स होते हैं लाइक like पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स या फिर लाइक अंडर रूट वैल्यू वन पॉइंट फोर वन फोर सो दिस टाइप्स नंबर्स आर कॉल्ड अप्रोक्सीमेट नंबर्स नाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स सो द डिजिट लाइक वन टू थ्री टू टू डोट नाइन दैट आर यूज टू एक्सप्रेस अ नंबर आर कोल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड ज़ीरो इज ऑल्सो ए सिग्निफिकफिकेंट फिगर्स एक्सेप्ट वैन इट इज़ यूज टू फिक्स द टैसिमल पॉइंट ओके तो हमारी जो डिजिट्स होती हैं वन से लेकर नाइन तक वो सभी हमारी क्या कहलाती हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट्स ओके एंड ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होती है जब उसका यूज्ड फिक्स डेसिमल पॉइंट की तरह किया जाए फॉर एग्ज़ाम्पल द नंबर ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन टू थ्री हैज़ ओनली थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट बिकॉज यहाँ पर आप देखिए जो ज़ीरो है यदि आप किसी नंबर के बीच में आए या फिर नंबर के लास्ट में आए तब हम इसे सिग्निफिकेंट फिगर में एड करेंगे अदरवाइज ज़ीरो को काउंट नहीं किया जाता ओके सो यहाँ पर जो आपकी सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी क्या होंगी वन टू थ्री ओनली थ्री डिजिट अदर एग्जाम्पल देखिए लाइक थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कंप्लीट नंबर्स हैं तो हम सबको काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सो दिस हैज़ फाइव सिग्निफिकेंट डिजिट नेक्स्ट देखिए ज़ीरो पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन फाइव थ्री हेयर हेयर वी विल सी ज़ीरो इज़ नोट सिग्निफिकेंट फिगर वाई बिकॉज इट इज़ यूज टू it is not used to fixed decimal point okay so now here is 1 2 3 4 5 only 5 significant digits so each contain 5 significant figures so if the number is in positional notation then the significant figure in the number consists of first is all non-zero digit okay यानी कि जो आपके ओल्ड नॉन जीरो नंबर्स हैं वो सभी क्या होंगे वो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होंगे सेकेंड इज़ द ज़ीरो डिजिट जीरो डिजिट के लिए क्या होगा विच लाई बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट या तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में लाइक कर रही है तब आप ज़ीरो को काउंट करेंगे एंड लाई टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड एट द सेम टाइम टू द राइट ऑफ अ नॉन ज़ीरो डिजिट और यदि वो नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट right साइड में है तब सिग्निफिकेंट डिजिट ज़ीरो नहीं मानी जाएगी ओके सेकेंड पॉइंट इज इफ द नंबर इज इन साइंटिफिक नोटेशन इज़ दैट के इंटू टन टू द पावर एंड लाइक यदि आपको कोई भी नंबर्स जो है वो इस फॉर्म में मिले तब आपको उसके साइंटिफिक डिजिट कैसे फाइंड आउट करनी है इसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं नाउ यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं और यहाँ पर उनकी सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिख दिए तो अब मैं आपको बताती हूँ कैसे हमने काउंट की सो so, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ीरो पॉइंट जीरो जीरो टू सिक्स थ्री ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे जीरो डिजिट है वो क्या है सिग्निफिकेंट डिजिट से पहले है तो यहाँ पर जीरो की क्या होगी ज़ीरो काउंट नहीं होंगी तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होंगी ओनली टू सिक्स एंड थ्री सो हेयर टू सिक्स एंड थ्री सेकेंड एग्ज़ाम्पल इज़ फोर थाउज फोर थाउजेंड टू हंड्रेड इसमें आप देखिए मैंने आपको कहा था जब भी आपकी नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट right साइड में जीरो आएंगी तब आप उसे काउंट नहीं करेंगे सो हेयर सिग्निफिकेंट डिजिट ओनली फोर एंड टू नाउ थ्री थर्टी फाइव पॉइंट ज़ीरो सिक्स सो हेयर यू विल सी ज़ीरो एग्जिस्ट बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स ज़ीरो क्या कर रही है सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में लाई कर दिया दैट मीन्स यहाँ पर जो जीरो होगी वो एक सिग्निफिकेंट डिजिट कवर करेगी सो so, यहाँ पर हम जीरो को काउंट करेंगे तो यहाँ पर आपकी सिग्निफिकेंट डिजिट क्या क्या होंगी थ्री फाइव जीरो एंड सिक्स नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टू पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर थ्री सो हेयर यू विल सी टू पॉइंट सिक्स जब भी आपको इस फॉर्म में कोई भी नंबर्स दिया जाए और उसमें आपको सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करनी हो तब आपको टेन की पावर जितनी भी है उसे छोड़ देना है और उसे छोड़कर जो आपका बाकी का दिया हुआ डेसिमल है उसमें आपको सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट कर लेनी है सो हेयर सिग्निफिकेंट डिजिट इज टू एंड सिक्स नेक्स्ट इज थ्री पॉइंट नाइन जीरो नाइन इंटू टेन टू दी पावर फोर सो सेम कंडीशन यहाँ पर है तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है टेन की पावर को छोड़ देना है एंड जो आपका आगे का नंबर है उसमें आपको सिग्निफिकेंट डिजिट फाइंड आउट कर लेनी है so here you will see zero again exist between significant digits so that means zero is also a significant digit so here 3909 yahan par aapke significant digit kya होंगी this so I hope आपको significant digits का doubt जो है वो clear हुआ हो हु। फिर भी यदि आपका कोई doubt हो आपको कहीं problem आ रही हो समझने में तो please command box में mention मैं कीजिए okay So next topic is rounding of numbers. So rounding of numbers means if we consider a number like 270 divided by 131 equals to 2.061068702 dot dot, dot, dot dot. Then in order to use this number in a practical computation, must cut in cut in down to a manage, manageable number of digits. सच एज़ टू पॉइंट ज़ीरो सिक्स या फिर ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो सिक्स वन और जीरो पॉइंट जीरो सिक्स वन जीरो सेवन दैट मीन्स राउंडिंग ऑफ नंबर से आपका मतलब है कि यदि आपको इस टाइप से कोई भी आपका डिवीज़न आ जाए जो इन्फेनाइट नंबर्स दे रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा नंबर दे रहा हो तो उसे आपको क्या करना है राउंड ऑफ कर लेना है मिनिमम टू और थ्री नंबर्स तक पॉइंट के बाद आप टू और थ्री डिजिट ले सकते हैं सो दिस प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ अन वॉन्टेड डिजिट्स एंड रिटेनिंग एज मैनील्ड राउंड ऑफ नंबर्स सो गाइज राउंडिंग ऑफ नंबर्स के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं तो रूल्स मैंने जो है वो विद एग्जाम्पल लिख दिए हैं सो फर्स्ट रूल इज द फॉलोइंग नंबर आर राउंडिंग ऑफ करैक्टली टू थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पर हमें क्या करना है इसको राउंडिंग ऑफ करना है थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट सकते हैं तो आप देखिए जब भी आप इस तरीके से आपको नंबर्स दिया हो और आप उसमें डिजिट के लास्ट वाले नंबर को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है इसमें ये देखना है कि आपका जो लास्ट वाला नंबर है वो फाइव या तो वो फ़ाइव हो या फिर फाइव से छोटा हो तो यहाँ पर आप देखिए थ्री फाइव से छोटा है तो आप थ्री को डायरेक्ट ऐसे ही रिमूव कर देंगे और डायरेक्ट लिख देंगे वन पॉइंट नाइन सिक्स मतलब इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है एक और एग्जाम्पल देखिए लाइक like टू पॉइंट थ्री फाइव फोर यहाँ पर भी हमें क्या करना है लास्ट नंबर को देखिए फोर फोर को आप डिस डिस्कार्डेड कर रहे हैं ना जिस नंबर को आपको डिस्कार्ड करना है आपको उस नंबर को देखना है कि वो फाइव है या फिर फाइव से छोटा है यदि वो फाइव है या फिर फाइव से छोटा है तब आप उससे पहले के नंबर्स को एज इट इज़ लिख देंगे उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगी ओके बट सेकेंड रूल क्या कहता है इफ़ द डिस्कार नंबर इज ग्रेटर दैन फाइव एट एन प्लस वन प्लेस एंड वन टू द एट एन एथ डिज़िट अब क्या करना है अब यदि आपका जो नंबर है वो क्या है फाइव से ज़्यादा है तो मैंने आपसे क्या कहा था यदि वो नंबर फाइव है या फाइव से छोटा है तब आप उससे पहले के डिजिट को ऐसे ही लिख देंगे उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे बट अगर आपका नंबर फाइव से ज़्यादा है अब फाइव से क्या है ग्रेटर दैन है बड़ा है तब आपको क्या करना है उससे जस्ट पहले वाले नंबर में वन प्लस कर देना है ओके सो so, पर हमारा क्या हो जाएगा फोर पॉइंट फोर फाइव की जगह क्या आ जाएगा सिक्स क्योंकि फाइव में क्या हो जाएगा प्लस वन क्यों क्योंकि सेवन इज ग्रेटर दैन फाइव सो थर्ड पॉइंट इज इफ द डिस्कार्डेड नंबर इज एग्जैक्टली फाइव एट एन प्लस वन प्लेस लीव द एनथ डिजिट अन चेंज इफ इट इज इवन अब क्या ध्यान रखना है आपको कि आप जिस नंबर को छोड़ने वाले हो, जैसे कि ये देखिए ये आपका फाइव है ना तो उन्होंने क्या कहा कि यदि आपका नंबर जो है वो एग्जैक्टली exactly फाइव हो तब आपको चेक करना है कि फ़ाइव से जस्ट पहले वाला जो नंबर है वो आपका इवन है या फिर ओड है यदि वो इवन है तो आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे बट यदि वो ओड है तब आप क्या करेंगे उसमें प्लस वन ऐड कर देंगे ओके सो देखिए फोर एट पॉइंट थ्री सिक्स फाइव यहाँ पर हमने फाइव को डिस्कार्डेड करना है सो so, यहाँ पर फाइव एज इट इज़ लिखा हुआ है तो हमें क्या चेक करना है उससे जस्ट पहले वाला नंबर ठीक है तो जस्ट पहले वाला नंबर क्या है सिक्स जो कि क्या है एक इवन नंबर है ओके okay? तो इवन होने की वजह से हम क्या करेंगे इसको ऐसे ही लिख देंगे फोर्टी एट पॉइंट थ्री सिक्स मतलब फाइव को आराम से ऐसे ही हटा देंगे उसमें तो कोई चेंज नहीं करेंगे अब यहाँ देखिए इफ द डिस्कार नंबर इज़ एग्जैक्टली फाइव एट एंड प्लस वन प्लेस एंड वन टू द एन डिजिट इफ इट इज़ ओड सो हेयर यू विल सी वी वॉन्ट टू रिमूव सिक्स नो वी वॉन्ट टू रिमूव फाइव बिकॉज हमें क्या करना है सिक्स पॉइंट फोर थ्री ओनली टू डिजिट तक लेना है सो so, फाइव देखिए यहाँ पर हमारा क्या है टू जी डिजिट तक हमें लेना है उसे जस्ट नेक्स्ट वाला जो नंबर होता है वो हमें चेक करना होता है सो so, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फाइव तो अब आपको क्या करना है फाइव को चेक करना है कि फाइव के जस्ट पहले वाला नंबर इवन है या फिर ओड है सो हेयर इज़ थ्री एंड थ्री इज़ ओड नंबर ओके एंड ओड नंबर की वजह से क्या होगा थ्री में वन प्लस हो जाएगा तो आप जब इसका सिग्निफिकेंट डिजिट लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे सॉरी आप राउंडिंग ऑफ नंबर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सिक्स पॉइंट फोर फोर यहाँ पर थ्री में क्या होगा प्लस वन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे थ्री से नेक्स्ट नंबर फाइव है और फाइव से जस्ट पहले वाला नंबर क्या है ओड अगर यहाँ पर इवन होता लाइक like टू होता तो हम यहाँ पर टू ऐसे ही लिख देते तो उसमें हमें प्लस वन नहीं करना होता बट यदि वो ओड है जैसे थ्री है तो थ्री में हमने क्या करना होता है प्लस वन करना होता है और यदि आपका नंबर जो है वो इवन है तो उसे एज़ इट इज़ लिखना होता है सो आई होप आपको राउंडिंग ऑफ के ऑल कंडीशंस समझ में आ गई होंगी फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैंशन कीजिए ओके नाउ एरर्स सो गाइज यहाँ पर मैंने ओनली इंपोर्टेंट एरर्स लिखे हैं जो कि सभी एग्जाम एमएससी थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ओके सो फर्स्ट इज इनहेरेंट एरर्स सो एरर विच आर ऑलरेडी प्रजेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम

ड्राइविंग कॉम्पिटिशन आर कोल्ड राउंडिंग एरर्स मतलब वो एरर्स जो कि क्या हो क्या हो राउंडिंग ऑफ की प्रोस, प्रोसेस में यानी राउंडिंग ऑफ की कॉम्पिटिशन करते टाइम ड्राइविंग uh, करते हो डाइविंग करते होंट दैट आर कोल्ड राउंडिंग एरर्स और इनहेरेंट एरर्स क्या होते हैं विच एरर्स ऑलरेडी प्रजेंट इन द स्टेटमेंट जो ऑलरेडी स्टेटमेंट में होते हैं बिफोर अ प्रॉब्लम सो इट इज़ कोल्ड इनहेरेंट एरर्स ओके नेक्स्ट इज truncation errors so error which are caused by using approximate formula in computation or replacing an infinite process by a finite process are called truncation error so सी फॉर फॉर एग्जाम्पल कंसिडर एंड एक्सपोनशियल सीरीज ए की पॉवर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्ट टू फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल प्लस डोडो डॉट इन्फाइट इक्वल्स टू एक्स से यहाँ पर बाई मिस्टेक एक्सड्रैक्स लिख दिया है सो इट इज रिप्लेसड बाई वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉइंट टू फैक्टोरियल डोडो डॉट इक्वल एर इक्वल टू एक्स माइनस एक्सडै एक्स इज द रियल वैल्यू

true value and x dash is the approximate value. So guys, absolute error is the difference of true value and approximate value. Okay, so next is relative error. So guys, the relative error denoted by er is defined by er equals to mod of x minus x dash upon x. So here, एक्स माइनस एक्स डैश इज कोल्ड इज कोल्ड ये एब्सोल्यूट एरर राइट अपॉन ट्रू वैल्यू सो रिलेटिव एरर ई आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एप्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू ये भी आप बोल सकते हैं सो नेक्स्ट इज परसेंटेज एरर सो गाइस परसेंटेज एरर इज डिनोटेड बाय ईपी एंड इज डिफाइंड बाई ई इक्वल्स टू हंड्रेड ई आर वेयर ई आर इज रिलेटिव एरर सो equals to 100 into relative error kya tha aapka mode of x minus x dash upon x where x is the true value and x dash is the approximate value so last is absolute accuracy so if there is a number x bar such that a e less than x bar e kya hai absolute error then x bar is an upper limit on the magnitude of absolute error and measures the absolute accuracy so guys thank you for watching my video guys चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें थैंक यू